दोस्तों, कई बार आपके मन में भी ये ख्याल या सवाल जरूर आता होगा कि क्या रोमांस और शारीरिक संबंध बनाने से कोरोना वायरस फैलता है। इस बात का जवाब हमारी ये वीडियो दे देगी आपको, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए आपको बता दें दोस्तों कि क्या रोमांस और सेक्स करने से सचमुच कोरोना वायरस फैल सकता है, यानी शारीरिक संबंध बनाने से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो दोस्तों, इन दिनों कोरोना वायरस की मार कुछ इस प्रकार से पड़ रही है देश विदेशों में, जिससे हर व्यक्ति से प्रभावित है। ऐसे में सबने एक दूसरे को लॉकडाउन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा यही शब्द आपके इस सवाल का उत्तर बन सकता है, क्योंकि लॉकडाउन और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब से आप समझ ही चुके होंगे, जब किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण दिख जाते हैं तो वह व्यक्ति अगर बाकियों से दूरी बना ले तो उन अन्य व्यक्तियों को कोरोना नहीं होगा, इस बात की पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन ऐसे में कई केस ऐसे भी सामने आए हैं चीन में और साथ साथ कुछ विदेशों में, कि जहाँ पर कुछ व्यक्तियों को कोरोना के लक्षण ऊपर से नहीं दिखाई दिए थे, यानी कोरोना जब हो चुका था तब उसके अंदर वह लक्षण नहीं थे, जहाँ पे वह व्यक्ति पूरे तरीके से शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट दिखाई दे रहा था और एकदम स्वस्थ था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने गया, तो ऐसे में खबरें सामने आई कि उसने कोरोना वायरस उस महिला तक भी पहुंचा दिया, यानी वह भी महिला उस कोरोना वायरस की चपेट में आ गई थी, यानी इनकी रिलेशनशिप काफ़ी महंगी पड़ चुकी थी। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि होता क्या है। एक्चुअली दिक्कत ये आती है कि दोस्तों, कि जब अगर आपको लक्षण नहीं दिखते हैं तो ऐसे में कोरोना वायरस आपके अंदर तो होता है। जब आप रोमांस या शारीरिक संबंध बनाने जा रहे होते हैं तो ऐसे में आप भी ये बात को स्वीकारते होंगे कि किस और किसिंग ज़्यादा होती है, यानी लोग एक दूसरे को किस बहुत करते हैं। ऐसे में आप ये बात को बखूबी जानते होंगे कि हम किसी व्यक्ति से अगर दूरी इसलिए बना रहे हैं जिससे कि वह कोई व्यक्ति सांस लेता है या छींकता है, तो ऐसे में उसके मुंह के अंदर या उसके अंदर जो कोरोना वायरस पनप रहा है वह हमारे अंदर तक ना आ पाए, या फिर 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहें तो हमारे तक ना पहुंच पाए। लेकिन ऐसे में हम अगर किसी व्यक्ति को किस करते हैं या फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे छूते हैं, तो वह कोरोना वायरस धीरे धीरे उसको अपनी चपेट में ले लेगा। और ऐसे में कोरोना वायरस के लक्षण ना दिखने के बावजूद भी वह व्यक्ति कोरोना वायरस की चपेट में आ जाएगा। लेकिन आवश्यकता यही और सबसे जरूरी चीज़ यही है कि हम हर व्यक्ति से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ऐसे में कुछ दिनों तक के लिए शारीरिक संबंध को दूर रखें, ये कई सलाहकारों की सलाह है, क्योंकि इससे होगा कि ये कि आने वाले समय में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप खुल के रोमांस या शारीरिक संबंध बना लीजिएगा। लेकिन इन दिनों वक्त ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से बना के रखें, इसी में आप सबकी भलाई है। फिर चाहे वे शारीरिक संबंध बनाने के लिए हो या फिर एक दूसरे से सिर्फ प्यार भरे माहौल में गले मिलने के लिए, तो ऐसे में जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हर व्यक्ति से बना के रखें। इससे अगर आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण नहीं भी दिख रहे हैं और आपके अंदर इम्यूनिटी इतनी है कि कोरोना वायरस ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैल पा रहा है, तो वह व्यक्ति या फिर दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए, और हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी है लेकिन दूसरे व्यक्ति के अंदर इतनी इम्यूनिटी है कि नहीं वह हमें नहीं पता, लेकिन उस तक अगर कोरोना वायरस पहुँच गया तो वह औरों तक कोरोना वायरस पहुँचाएगा, यानी कि इसकी एक चैन बनती जाएगी। इसी चैन को तोड़ना है और साथ साथ एक दूसरे से संक्रमित ना हो, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के आइडिया को अपनाना होगा, जिससे लॉकडाउन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। तो निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि शारीरिक संबंध करने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है, जब हमारे अंदर कोरोना वायरस हमारे या आपके अंदर कोरोना वायरस होगा पहले से ही। लेकिन कोशिश ये करें दोस्तों कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हमारी सबसे आपके लिए यही अपील है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी हमारी इस राय से सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी ऐसी ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट पाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।